अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई टाइटन नाम की पनडुब्बी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हर गुजरते पल के साथ पनडुब्बी में सवार 5 लोगों की जान का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पनडुब्बी में चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची है। पनडुब्बी से किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पा रहा है। दावा है कि पनडुब्बी के अंदर की ऑक्सीजन गुरुवार दोपहर तक खत्म हो जाएगी। ऐसे में संकट में फंसे 5 लोग अटलांटिक महासागर में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। दरअसल 1 शताब्दी से भी ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद टाइटैनिक को लेकर लोगों की दिलचस्पी अभी भी बनी हुई है। लोग टाइटैनिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी मूल के अरबपति बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान दाऊद भी इस पनडुब्बी पर सवार 5 यात्रियों में शामिल हैं। पनडुब्बी के लापता होने की खबर मिलते ही दुनिया भर की बड़ी से बड़ी रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल सबके हाथ खाली हैं। अत्याधुनिक तकनीकों के साथ पनडुब्बी की तलाश की जा रही है। 5 समुद्री विशेषज्ञ जहाज रोबोट के साथ 4 किलोमीटर की गहराई में 24,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े एरिया की छानबीन कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी तटरक्षक कैप्टन जेमी फ्रेडरिक ने दावा किया है कि गहरे समुद्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनाई दी हैं, जिसके बाद से तलाशी अभियान को और तेज किया गया है। साथ ही समंदर से आने वाली इन आवाजों की सोनार तकनीक से पड़ताल भी की जा रही है। बताया जाता है कि टाइटन नाम की पर्यटक पनडुब्बी का 1.5 घंटे की सकुशल यात्रा के बाद सपोर्ट शिप से संपर्क टूट गया था। पनडुब्बी टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने की जद्दोजहद में आधा रास्ता पार कर चुके थे। इसके बाद जो कुछ हो रहा है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बहरहाल दुनिया के 5 महासागरों में से दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक है, जहां गहरे समंदर में मिनी पनडुब्बी टाइटन को ढूंढना भूसे में सुई खोजने के बराबर की तरह माना जा रहा है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन बिना वक्त गंवाए खोजबीन में जुटा हुआ है। ऐसे में दुनिया भर की निगाहें किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठी हैं, ताकि टाइटन नाम की पनडुब्बी में सवार सभी 5 रईसों की जिंदगी को बचाया जा सके। नहीं तो टाइटैनिक नाम की महाशिप के साथ साथ टाइटन नाम की मिनी पनडुब्बी भी इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाएगी।